हे माय बटरफ्लाई, कैसे हैं आप सब? गुड। जिन जिन जो चाहे होश में हो या पी हो, लाइव में हो या गेम में हो, हमेशा ही अपनी बातों से हंसा देते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। यू नो आई एम वर्ल्ड वाइड हैंडसम, या एंड यू नो वी आर वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल्स। अपना दिया हुआ गिफ्ट वापस कैसे मांगते हैं, ये हम जिन से सीखेंगे। पर उससे पहले गिफ्ट देख लेते हैं। जेके की बर्थडे लाइव। हमारे यहाँ एक गेस्ट है, वो बस लाइव से कुछ देर पहले आई। मुझे लगता है उन्होंने बहुत ड्रिंक की हुई है। वो गिफ्ट के साथ नीचे लेटे हैं। चलो उन्हें बुलाते हैं। क्या आप बाहर आएंगे प्लीज? ओ जंगकुशी, हैप्पी बर्थडे। मैं आपको इस बारे में बताऊं, मैं इसे एडवर्टीजमेंट करने के लिए नहीं लाया हूं। ओ हमें इसका नाम छुपाना पड़ेगा। मैं अपने अंकल के दोस्तों में से एक से मिला। मैं अपनी फैमिली से मिलने गया। वो शाइन मस्केट फार्म चलाता है और ये आपका बर्थडे है तो मैं डिलीवरी के लिए आया हूँ। अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं इसे सभी मेंबर तक पहुँचाऊँ। ओके, आप इसे पाने वाले दूसरे इंसान हैं। पहला शुगा है। ओ जंगकुशी, हैप्पी बर्थडे। मिल के खुशी हुई। जिन कह रहे हैं क्या मैं जाऊँ? ये कह रहे हैं हाँ तुम्हें जाना चाहिए। क्यों? तुम नशे में हो, तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक गिलास पी है। कुछ देर पहले ही कह रहे थे उन्होंने दो गिलास पिए हैं। आर्मी को हाय बोलो। हेलो, थैंक यू मस्कट के लिए। खैर फिर जिन केक लेके आए। ओ ये सीक्रेट होना चाहिए था, इसे मुझे दो। जिन कह रहे मैं आऊंगा, तुम सरप्राइज होना। ओके ओके। हेलो आर्मी, आज मेरा बर्थडे है। नाइस एक्टिंग, ऑस्कर दो कोई दोनों को। जिन ने केक को बड़े अंगूर यानी मस्कट से सजा दिया। ये डेकोरेट क्या है, ये बिगाड़ दिया। जिन कह रहे अब मैं जाऊंगा, तुम कंटिन्यू रखो, मैं जा रहा हूँ। ओके, वो फर्श पर चले गई। सच में तुम हमेशा वहां नहीं रह सकते। हाँ मैं सोऊंगा और फिर जाऊंगा। नहीं तुम ये नहीं कर सकते। क्यों? बाहर तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। कौन? प्रोटोकॉल टीम या? हाँ तो फिर मैं बर्तन धो देता हूँ और फिर चला जाऊंगा। जेके बोले कोई नहीं, मैं कर लूंगा। ओके तो अब मैं जाता हूँ। एनीवे अब सीखो अपना दिया गिफ्ट कैसे वापस मांगते हैं। जिन कह रहे हैं एक्चुअली ये सारे प्रोडक्ट रिजर्व हैं, ये हमारे मेंबर के प्रोडक्ट हैं, तुम्हें छोड़कर मैंने सभी के लिए रिजर्व कर लिए थे, तो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये मेंबर को देना चाहिए था। जेके बोले रियली, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, मैंने आपके लिए इसे निकाला। वो आप जानते हो वो फेमस सेलिब्रिटी को पहले देते हैं, ऐसा ही है। जेके बोल रहे हैं एक वीआईपी की तरह। हाँ हाँ हाँ, ये रिजर्व था, मैं इसे आपको दे रहा हूँ। हमारे मेंबर में से किसी एक को नहीं मिल पाएगा, पता नहीं वो कौन होगा। जेके बोल रहे हैं मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। चीन कह रहे हैं क्या मैं एक वापस ले जाऊँ? आश ले लिया वापस। आप एक सेलिब्रिटी हैं इसलिए मैं इसे लाया हूँ, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं। हाँ सेलिब्रिटी बोल बोल के गिफ्ट वापस ले लिया, वेरी गुड, ही स्मार्ट मैन। जेन बर्थडे, ये बॉयज लोग बट पर मार के बर्थडे विश क्यों करते हैं? यहो
ओह जो तुमने एक गिफ्ट खरीदा। जो अपने हाथ में अपनी वॉच पहनी है जेन, ये गिफ्ट मांगने का सही तरीका है। तुमने हाथ में मेरे लिए लाया हुआ गिफ्ट पहना है, ये मेरा गिफ्ट है ना? नहीं नहीं, अपने बड़े गिफ्ट के लिए वेट करो। जिन वैसे संस्कारी बच्चे हैं, जिन और शुगा दोनों कंपनी के सबसे संस्कारी बच्चे हैं। नहीं मतलब कंपनी जो बर्थडे में पहनने के लिए देती है वो सब पहन लेते हैं छोटे बच्चे की तरह। और मैं जंगू के बर्थडे पर उसके घर पर गया था लेकिन वो आया तक नहीं। वो सच में अनग्रेटफुल है, वो बहुत अनग्रेटफुल है। हैप्पी बर्थडे टू तुम सब लोग साथ में क्यों नहीं गा रहे हो? सुनो सुनो स्टाफ स्टाफ टीम, प्लीज साथ में गाओ। 5 6 7 8 ओ नहीं नहीं, यहाँ कुछ परेशानी है। वी लाइव स्टाफ नहीं, वी लाइव नहीं, वीवर्स ऐप स्टाफ, जल्दी करो और यहाँ आओ। 5 6 7 8 जिमिन का कमेंट आया, एक बड़ी विश मांगो। क्या जिमिना, जिमिना क्या तुम मेरी लाइव देख रहे हो? क्या तुमने मेरे साथ गाया या नहीं? जल्दी करो बताओ मुझे। और जिमिना तुम्हारे पास तमीज है। जिमिना आए हैं इसलिए हम सब फिर से करेंगे। ओके एवरीवन, आई एम सॉरी, मैं आपसे एक बार फिर से गाने के लिए कह रहा हूँ। ओके 5 6 7 8 और जबकि जिमिन यहाँ है मुझे इसे ही दिखाना चाहिए। लास्ट ईयर जे होप ने मुझे एक बड़ा गिफ्ट दिया क्योंकि मेरा बर्थडे था। वो गिफ्ट इतना बड़ा था, मुझे क्या कहना चाहिए। मैंने उसे खोला क्योंकि मैं जानना चाहता था उसमें क्या था। ये भारी है लेकिन मैं इसे अच्छे से कैरी कर सकता हूँ। ये मैं नहीं जानता ये क्या है, मुझे लगता है ये किसी आर्ट का पीस है। उसने कहा कि उसने इसे देखा और मेरे बारे में सोचा। आप इस पर बैठ नहीं सकते हैं पर ये सैडल है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए ये बहुत भारी हो रहा है। लगभग 50, मुझे लगता है कि 15 किलो का है। मुझे समझ नहीं आया उसने ये मेरे लिए क्यों ख़रीदा। जेहो बहुत यूनिक फ्रेंड है, यूनिक फ्रेंड। तो मुझे उसके बर्थडे पर उसे क्या देना चाहिए था? मैंने उसे कुछ टॉयलेट ब्रश दिए। टॉयलेट ब्रश, देखा जाए तो टॉयलेट ब्रश अच्छा ही है, घर के कुछ काम तो आएगा। ओके अब मैं केक कटिंग सेरेमनी करूँगा। ओके अब हमें केक काटने की ज़रूरत है। बढ़िया, जिन फोटो बुक दिखा रहे हैं। आपको जिनका परफेक्ट फेस देखने को मिलेगा। आई अगर तुम इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाओगे। क्या तुम ये फेस देख सकते हो? देख सकते हो, देख सकते हो ना, साइट प्रोफाइल। और ये एकदम स्ट्रेट हैंडसम, ये राइट साइड से हैंडसम। और अब फैंट एक्सप्रेशन के साथ हेवन की ओर देख रहा हूँ। और ये कौन है? मैं, हाँ मैं। देखो मेरे प्यारे लिप्स। जिन सबसे बड़े एंटरटेनर हैं, खुद भी मस्ती में रहते हैं दूसरों को भी खुशी देते हैं। ओके देन, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, मैंने तो किया। ओके देन फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।